ऊपर से अपनी हेलीकॉप्टर जो है और सम्मान जो है वो कर रहा है। वहाँ मौजूद है और ऊपर एयरपोर्ट के जवान इन पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ मोहित को टीम ने भारत एयरपोर्ट में जो मार्च निकाली थी, जो सम्मान किया है उनका, उसे टाइम नजर आ रहा है। तमाम ये डॉक्टर हैं जो वॉच में नजर आते हैं। अब या फिर एक वक्त कोशिश करेंगे। अरे कर तो लिया, कुछ और सही नहीं हो रही। मैं दिल्ली के दूसरा दयाराम चौधरी, ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि देखो राष्ट्र के लिए वो भी लड़ते हैं और राष्ट्र के लिए हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो अगर हमारा सम्मान कर रहे हैं तो हम उनको सल्यूट करते हैं। I am the nodal officer of I am nodal officer for this hospital, and entire team is very happy because the Indian Air Force done the amazing job, wonderful job, that they have appreciated the hard work of our doctors, staff, nurses, all the employees are very happy that we are treated like a winner in this war against coronavirus. And everyone is doing wonderful job, and we are greatly motivated by the efforts and gesture by the government of India, particularly the armed forces and air force of India. So this will encourage the morale, and they will be more dedicated now for this. So ये जो सम्मान किया है इसके लिए हम आभारी हैं भारतीय वायुसेना के, जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया है कि जैसे कि हम जीत रहे हैं इस युद्ध को। और ये सब क्योंकि कभी ये रहता है कि डर रहता है दिमाग में लोगों के कि भाई हमें हेल्थ केयर वर्कर हैं तो उनको हो सकता है कि उनको उनके परिवार के इश्यूज होते हैं, उनके खुद के स्वास्थ्य का इश्यूज होता है, उनके खुद की सेहत के ऊपर ये रहता है। तो हम ये सारे इश्यूज भूल के अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना 24 घंटा अब हम और ज़्यादा जोश से हम काम करेंगे। मैं डॉक्टर AK गुप्ता, यहाँ पे ICU इंचार्ज हूँ और क्रिटिकल केयर में काम करता हूँ। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमें सेना ने बहुत सम्मान दिया, हम लोग बहुत मन लगा के सब काम कर रहे हैं, पुलिस कर्मी, हेल्थ केयर वर्कर, सब फाइटर की तरह लगे हुए हैं। और इस सम्मान से हमें बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धन वाली बात है, और हम इसको बहुत पॉजिटिव, सरकार की बहुत पॉजिटिव सोच समझते हैं।
काम करेंगे। 11 बजे संजीव के साथ मैं नितिन आयत, विजय न्यूज़।